हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक्स। सो आज के इस वीडियो में निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। सो निफ्टी का जो आज का डे रहा वो लगभग बेयरिश डे उसने रहा है, ठीक है। इंट्रा डे में बेयरिश रहा है, बट अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम से देखेंगे तो अभी इसने जो ग्रीन कैंडल है कल वाली, उसके लो के नीचे रेड कैंडल का क्लोजिंग नहीं है। जो ग्रीन कैंडल का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करेगी तो फिर वो वापस कहाँ पे आने की ट्राई करेगा, डाउन साइड में आने का ट्राई करेगा। अभी भी जो कैंडल का जो क्लोजिंग मिला है वो उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर है, उसके लो के नीचे हमने सस्टेन नहीं किया है। मतलब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो इसी एरिया से निफ्टी पहले भी रेजिस्टेंस ले चुकी है और यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस के पास में निफ्टी खड़ा है। कन्फर्मेशन क्लियरिटी अभी मिला नहीं है कि एक्चुअल में ये करना क्या चाह रहा है, क्या यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेना चाह रहा है या यहाँ से ये वापस अपसाइड में जाने की ट्राई कर सकता है। बट रेजिस्टेंस एरिया अगर हम देखते तो परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी के लिए आ रहा है यहाँ पे, जो कि 25,244 से 233 का रेजिस्टेंस एरिया, एकदम स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी तो अपसाइड में हम लोगों को निफ्टी मूव करते हुए दिखाई देगी, अगर ब्रेकआउट किया तो। अगर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया और प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ देता है तो लॉन्ग के व्यू के हिसाब से निफ्टी का व्यू डाउन साइड से बनेगा। तब तक फिर निफ्टी का व्यू डाउन साइड के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, वापस बना रहा है, यहाँ पे भी बनाया था, अभी भी बना रहा है, अभी भी वहाँ पर रेड कैंडल क्लोज कर रहा है। यानी कि चांसेस ये क्या रखता है, कहीं ना कहीं ये नीचे की साइड में आने की यहाँ से ये कोशिश कर सकता है। सपोर्ट लेवल यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। बट कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट कैंडल वाली जिसके लो के नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दिया है, और स्विंग जो लो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो स्विंग लो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के लिए ये वाला एरिया। निफ्टी जब तक इस सपोर्ट के ऊपर रहेगा 24,975 के ऊपर, जब तक निफ्टी रहेगा तब तक निफ्टी अच्छा रहेगा। इसके ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक निफ्टी क्या है, अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे गया भी था पहले बार, वापस रेजिस्टेंस ले लिया था, अभी वापस निफ्टी सेकेंड टाइम वहीं पर खुला, वापस रेजिस्टेंस ले लिया। लेकिन अब इस बार जब ये नीचे आया तो इसने प्रीवियस स्विंग लो नहीं तोड़ा, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हायर बेस है। अगर यहाँ से कल इसके पास नहीं खुलना चाहिए, बस इसके पास खुलता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके पास ना खुले, इसी फ्लैट एरिया के आसपास खुले और 25,000 के ऊपर सस्टेन करे तो इसका वापस चांसेस ब्रेकआउट का हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है और ये वाला 25,000 का लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी में हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे और ऐसा मानेंगे कि अभी निफ्टी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वन डे का जो पैटर्न है वो बनाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। बस निफ्टी का इंपॉर्टेंट है कि 25,000 के ऊपर और इस रेंज में निफ्टी ओपनिंग दे। निफ्टी का ओपनिंग रेजिस्टेंस के पास नहीं होना चाहिए, जैसे आज रेजिस्टेंस के पास हुआ तो निफ्टी रेजिस्टेंस के पास खुलने के बाद आज सीधा नीचे की साइड में आ गया, ठीक है। निफ्टी का जो ओपनिंग है ना वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास खुलने के कारण निफ्टी वहां से डाउन आ गया। सो इसका इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आज कल ना खुले, रेंज में खुले, सेम रेंज में, और वहाँ से 25,000 का सपोर्ट बनाए एंड देन फिर निफ्टी अपसाइड के लिए मूव करती है तो फिर और अच्छा बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड डाउन साइड में आना है तो 25,000 के नीचे सोचेंगे, 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 24,988 का लेवल रहेगा, इनके ब्रेकडाउन अगर कर देता है देन फिर निफ्टी डाउन साइड के लिए, नहीं तो तब तक निफ्टी उल्लू बनाता रहेगा, ठीक है। इतना कोई बियरिश निफ्टी हुआ नहीं है, बस रेजिस्टेंस के पास खुलने से सपोर्ट लेवल के पास आ गया। अगर टोटली बियरिश होना होता तो वो प्रीवियस स्विंग लो तोड़ देता, जो कि अभी भी उसने प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा नहीं है। मार्केट का साइकोलॉजी ऐसे ही रहता है, मार्केट ऐसे ही हम लोगों को घुमाती रहती है, बस हम लोगों को चार्ट के ऊपर फोकस करना है। चार्ट क्या बोल रहा है, क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, करेक्ट है। निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, करेक्ट है। एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन निफ्टी सपोर्ट का क्या करे, निफ्टी स्विंग लो नहीं तोड़ रहा है ना। अगर ये आज नीचे आया और इसको तोड़ देता तो फिर हमारा यहाँ के लिए व्यू नहीं रहता, बट ये इसको नहीं तोड़ रहा है। अगर कल इसको तोड़ देगा 25,000 के लेवल को तो डाउन साइड का व्यू रहेगा, नहीं तो तब तक नहीं रहेगा। इसीलिए मना करती हूँ कैरी फॉरवर्ड वगैरह करके मत जाया करो, ठीक है। जो रहेगा वो दिन में देख लेना है, मार्केट ओपनिंग के बाद देखो ना जो भी आपका व्यू है। कैरी फॉरवर्ड करने की क्या जरूरत है, निफ्टी बैंक ने यहाँ पे उस दिन थोड़ा मोमेंटम किया, परसों वाला दिन, कल वाला दिन थोड़ा मोमेंटम किया, मॉर्निंग में अपसाइड भाग गया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, बुलिश साइडवेज रहा, ठीक है। आज के दिन भी कंसोलिडेशन करने का कोशिश किया, हैंगिंग मैन कैंडल उसने बनाई है। इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं, ठीक है, इसको हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं जो इसने बनाया हुआ है। उसका जो लो रहेगा, उसका जो लो है वो क्या है, 51,698, यानी कि 700। सो कल 700 एक सपोर्ट के लेवल की तरह काम कर सकता है उसका लो,
ठीक है, और उसके लो के नीचे गया, सपोर्ट लेवल को तोड़ा, तो फिर डाउन साइड के लिए ठीक रहेगा, वरना वो डाउन साइड के लिए ठीक नहीं रहेगा। और 52,022 अभी क्लोजिंग मिला है 51,906 के पास में, 52,200 यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर पकड़ के चलते, जो उसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी बैंक कल इस लेवल को निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम फिर से यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया हुआ था। अगर ये लेवल को निकाल रहा है तो फिर इसका 52,500 के आसपास, 600 के आसपास तक इसके पास स्पेस ओपन हो जाएगा अपसाइड के लिए। ठीक है, ये इसके पास जगह फिर अपसाइड के लिए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये बिकॉज आज का रेट बना बट वो सस्टेनेबल नहीं रहा डाउन साइड में। और इवन निफ्टी बैंक का अगर मैं चार्ट एक्सप्लेन करूँ तो उसमें भी सेम चीज़ है कि निफ्टी बैंक का अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते तो आपको उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या वो अपना स्विंग लो तोड़ रहा है। लेट्स सी, ये आज का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी बैंक यहाँ पे एक लो लगाया था, उसके बाद निफ्टी बैंक ऊपर गया, उसके बाद निफ्टी बैंक फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ऊपर ऊपर जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इसने एक अपना रेड जोन का ब्रेकआउट कर दिया है। ये वाला उसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने हम लोगों को दिखाया है, इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट इसने किया हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। वो लेवल कौन सा रहेगा जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा? निफ्टी बैंक का डाउन साइड का व्यू तभी बनेगा जब निफ्टी बैंक 51,666 के नीचे आएगा। अगर निफ्टी बैंक ये वाले सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो निफ्टी बैंक डाउन साइड के लिए ठीक रहेगा अप टू 51,222 यहाँ तक के लिए, अगर 666 के नीचे आया तो। ठीक है, अगर नहीं आता है इसके नीचे, इसी का सपोर्ट बनाता है, तो निफ्टी बैंक का टारगेट 52,377, 52,555, ये टारगेट फिर निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज चार्ट के हिसाब से हम इंट्राडे में थोड़ा बेयरिश हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बट चार्ट क्या बोल रहा है, क्या चार्ट प्रीवियस स्विंग लो तोड़ रहा है? देखो, स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्विंग हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्विंग लो और स्विंग हाई, ये दोनों जो रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आप लोगों को देखना वही है, क्या मार्केट स्विंग लो का रिस्पेक्ट कर रही है, स्विंग हाई का रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट कर क्या रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा, मान लो कि इनकेस निफ्टी बैंक खुल जाता है 52,300 के आसपास, सो यहाँ से वो वापस रेड कैंडल बनाया तो वो वापस गिरेगा। फिर अगर बड़ा गैप अप हुआ तो वो वापस गिरेगा, बिकॉज वो अगर डायरेक्टली टारगेट पूरा कर देगा, रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा एंड रेजिस्टेंस के पास ही ओपनिंग देगा, तो फिर वहाँ से टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो नीचे ही आएगा ना। जब भी हमारा कोई टारगेट लेवल रहता है, वो टारगेट लेवल जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आती है, डीप लेती है। सो इसका अगर यहाँ पे ही खुल जाता है रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो यहाँ से वापस सेलिंग आएगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। रेंज के अंदर ओपनिंग देके सपोर्ट बनाने के ट्राई करना चाहिए, देन ठीक रहेगा। देखो, BTST वगैरह लेने का मैं इसलिए मना करती हूँ बिकॉज डाउ जोन्स वगैरह, ग्लोबल मार्केट वगैरह, उसके सेंटिमेंट के ऊपर भी अपना मार्केट ओपनिंग देता है, और उनमें अगर रातों रात कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, उनका मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या बहुत ज़्यादा गिरा होता है, ऐसा कुछ भी जब मार्केट रहता है ना, तो उसका सीधा इम्पैक्ट अपने मार्केट की ओपनिंग पे पड़ता है। दैट्स वाई मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि लेके मत जाओ। ठीक है, जो भी है आज के दिन पे देखो, लेके मत जाओ, बिकॉज बहुत अच्छा सा व्यू मिल सकता है अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जाते हो तो। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, कल वेनसडे रहेगा, निफ्टी बैंक का एक्सपायरी रहेगा। निफ्टी बैंक कल कुछ खास मूवमेंट किया नहीं, बस मॉर्निंग वाला वो मूवमेंट को छोड़ के, ठीक है, दो कैंडल का मूवमेंट छोड़ के कुछ खास मोमेंटम कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। सो एक्सपेक्टेशन रखते कि कल इसका एक्सपायरी रहेगा और एक्सपायरी पे एक अच्छा मोमेंटम इसको दे देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का, निफ्टी बैंक का सिंपल एनालिसिस है, आपको माइंड में रखना है, बस इतना याद रखना है कि स्विंग लो टूटे नहीं है, वेट करना है प्रॉपर सपोर्ट के लिए, या स्विंग लो टूटा, सपोर्ट टूटा, तो डाउन साइड में जो व्यू शेयर किया वहां तक वो आ सकता है। सारा चीज़ें ओनली फॉर लर्निंग पर्पज है, कोई सजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।